सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग आरती का आज़ादी अभियान की, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने आते हुए मुझे बहुत खड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में देखेंगे तो अपने ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल के माध्यम से आर्थिक आज़ादी अभियान का काम बहुत ही बढ़िया चल रहा है, और आप सभी लीडर्स का काम मैं अलग अलग ग्रुप के माध्यम से देख रहा हूँ कि एकदम बढ़िया चल रहा है। दोस्तों, आज एक अजब सा टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि मार्केट में हम लोगों को बताते तो हैं ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल के बारे में, आर्थिक आज़ादी अभियान के बारे में, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल करना क्या है, या फिर हमारे भी कुछ लीडर्स हैं जो समझाने में असमर्थ हो रहे हैं कि हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल करना ही क्यों है। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल क्यों करना है, वाई 3G सिस्टम। तो दोस्तों, मार्केट के समाज के कुछ एंगल की नज़र से हम देखेंगे, समाज के एंगल से देखेंगे तो हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल करना क्यों है ये समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, तो अभी ट्रेडिशनल बिजनेस के एंगल से अगर ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का कंपैरिजन करेंगे तो क्या क्या बातें हो सकती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एरिया का लिमिट होता है। मान लीजिए आप किसी सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप सूरत में हैं, आपका बिजनेस है, कारोबार है, तो आपका कारोबार कुछ लिमिटेड एरिया में ही हो सकता है, यानी वहाँ पे एरिया का लिमिट होता है। लेकिन दोस्तों, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं पे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एरिया का कुछ भी लिमिट नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है तो आपका टाइम लिमिट है, आपके बिजनेस को टाइम लिमिट है कि मॉर्निंग में आपको इतने घंटे ओपन करना है, शाम को इतने घंटे बंद करना है। मॉर्निंग में उससे पहले भी ओपन करके फ़ायदा नहीं, और रात देर तक भी अगर आप ओपन रखेंगे तो ग्राहक ज़्यादा होने वाला नहीं है, यानी वहाँ पे टाइम लिमिट है। ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में टाइम लिमिट नहीं है दोस्तों, अनलिमिटेड आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कितना भी टाइम कर सकते हैं। कितना भी टाइम, इसका मतलब क्या है कि आपकी टीम बढ़ने वाली है, इसका मतलब आपके टीम के माध्यम से आपके वर्किंग आवर्स भी बढ़ने वाले हैं, 100% ज़्यादा काम होगा। मान लीजिए आपके टीम में 200 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, 200 लोग अगर डेली 2 घंटा ही काम करते हैं तो आपके लिए 400 घंटे का काम होता है दोस्तों, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं हो सकता। तीसरी बात है दोस्तों, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें ओनली एक्टिव इनकम मिलता है, एक्टिव इनकम इसका मतलब क्या है, जिस दिन हम शटर ओपन करेंगे उसी दिन अपना धंधा होने वाला है, उसी दिन हमें जो कुछ भी प्रॉफिट है मिलने वाला है, जिस दिन शटर डाउन उस दिन इनकम बंद। लेकिन ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में दोस्तों, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी है। एक्टिव इनकम यानी क्या, आप जो मेहनत करने वाले हैं आपको तो इनकम मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पैसिव इनकम क्या, आपकी टीम जो मेहनत करेगी उस पे भी आपको इनकम मिलने वाला है, इसलिए हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल करना है। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में मेन पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस लाखों में कमाना है बिजनेस में से, तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, कैपिटल लगता है। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा के भी बिजनेस चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेगा, यानी हाई इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क है, और प्रॉफिट कितना मिलेगा कोई भी नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल 3G सिस्टम में क्या है दोस्तों, लो इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं वर्ड यूज़ करूँगा इन्वेस्टमेंट, जो 2500 रुपये हम एज ए डोनेशन जो मदद दे रहे हैं, हम बिजनेस के लैंग्वेज में अगर उसको इन्वेस्टमेंट भी समझेंगे तो है कितना, 2500 रुपये, यानी लो इन्वेस्टमेंट हाई इनकम की अपॉर्चुनिटी, यानी 1118 करोड़ का प्लान। और रिस्क क्या है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, विदाउट रिस्क प्लान। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें रिकॉर्ड मेंटेन करता है, परचेसिंग कितना हुआ, सेल कितना हुआ, GST फलाना बिस्ताना सब, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन करना नहीं है, टोटल सिस्टम हमारा रिकॉर्ड मेंटेन करके देती है कि आपकी टीम साइज़ क्या है, आपके डायरेक्ट में कितने हैं, आपके अर्निंग कितने हुई, मनी ऑर्डर PNR नंबर क्या है, सब रिकॉर्ड हमें सिस्टम मेंटेन करके देता है, यानी हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में हमें टैक्सेस वगैरह देना पड़ता है, जैसे GST वगैरह, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी टैक्स देना नहीं है, टोटल हमारा इनकम होगा। और मार्जिन की बात अगर आती है दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आपके पास कोई बिजनेसमैन है तो देखिए कितना होता है मार्जिन, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%। लेकिन दोस्तों, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में अगर आप देखेंगे, पहले 4 फॉर्म का आपका मार्जिन है 32%, और नेक्स्ट 8 फॉर्म का जो मैजिक जोन है उसका मार्जिन है कितना, कितना, जी हाँ दोस्तों, 100%। आप मुझे मार्केट में ऐसा बिजनेस बताइए जहाँ पे 100% मार्जिन है, वो मार्जिन, वो इनकम ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में है दोस्तों, इसलिए हमें 3G सिस्टम करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हम स्मार्ट वर्क कर सकते हैं,
ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं है, वहाँ पे आपको हार्ड वर्क ही करना है। डेली रूटीन फिक्स है, डेली काम फिक्स है, वही ग्राहक वही समझाना, सब बातें आते हैं दोस्तों। लेकिन ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हम स्मार्ट वर्क करके अच्छा इनकम ले सकते हैं। तो ये बातें हैं दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस और ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल के बिजनेसमैन में डिफरेंस क्या है। अब मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट जो जॉब होल्डर होते हैं या फिर प्राइवेट जॉब होल्डर उसके साथ उनके साथ थोड़ा सा ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का कंपैरिजन करना चाहूँगा दोस्तों। तो जॉब होल्डर में मेन वीक पॉइंट क्या है, तो वहाँ पे आपको डेली 8 घंटे की ही ड्यूटी करनी है। इसका मतलब डेली अगर 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, साल के महीने के कितने होते हैं 240, साल के 2880, ओवर टाइम करेंगे साल का 3000 घंटा भी अगर वर्क करेंगे, लाइफ के 40 साल अगर पैसे कमाने के लिए अपने सपने पूरे करने के लिए आप जॉब करते हैं तो पूरे लाइफ के पूरे 40 साल में आप 30,000 × 40 करेंगे तो 1,20,000 वर्किंग आवर सबके होते हैं दोस्तों। वहाँ पे आप टाइम डुप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में आप टाइम डुप्लीकेशन कर सकते हैं दोस्तों। जैसा मेरा एग्जांपल देखेंगे, आज की डेट में मैंने ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल स्टार्ट करके लगभग 100 डेज हुए दोस्तों। 100 दिनों में आज मेरी लगभग 2000 लोगों की टीम है। जी हाँ दोस्तों, 2000 लोगों की टीम। आज मान के चलिए 2000 लोग डेली 1 घंटा भी अगर काम करते हैं ना दोस्तों, डेली 1 आवर, तो मेरे लिए 2000 घंटे का काम होता है। अब कल चल के टीम बढ़ने वाली है 2 से 4, 4 से 8, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख। जैसा हम रिलायंस का एग्जांपल देते हैं दोस्तों, रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में अगर 1 लाख वर्कर है, वो डेली 8 घंटा काम करते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ओनर के लिए डेली 8 लाख घंटे का काम होता है दोस्तों। जो नॉर्मल आदमी, जो जॉब होल्डर लाइफ में नहीं कमा सकता, वो डेली कमाते हैं। उसी प्लेटफॉर्म पे हम चल रहे हैं दोस्तों, इसीलिए हमने मिशन का नाम दिया है आर्थिक आज़ादी अभियान। इसीलिए ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में से हम 1000 करोड़ कमाने का सपना बिल्कुल देख सकते हैं, जो मार्केट में किसी भी सिस्टम में वो ताकत नहीं है दोस्तों। और दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब है तो जॉब होल्डर व्यक्ति को ही जॉब पे जाना है, ड्यूटी करना है, तभी उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में मान लीजिए मेरी आईडी है और किसी कारणवश मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो 100% दोस्तों मेरी जगह पे मेरे घर का कोई भी फैमिली मेम्बर इसमें काम कर सकता है, सेम उसी आईडी के ऊपर। सही है दोस्तों, यानी यहाँ पे हमें आप एक आईडी के ऊपर अपना फैमिली मेंबर कोई भी काम कर सकता है, अपना इनकम चालू ही रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में वैसा होता नहीं दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में होता क्या है, आपकी सैलरी आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होती, आपकी सैलरी आपके वर्क के ऊपर डिपेंड नहीं होती, तो आपकी सैलरी डिपेंड होती है आपके डेजिग्नेशन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग कलेक्टर का है, लेकिन आप अगर जॉब टीचर का कर रहे हैं ना, तो आपको सैलरी टीचर की ही मिलेगी। सही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में दोस्तों आपका दिमाग अगर अच्छा है, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आप टीम वर्क कर सकते हैं, आप लीडर है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो 100% आपकी सैलरी का चेक आपको लिखना है। वर्ल्ड में सैलरी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पे हमें बेनिफिट जो भी मिलता है, डोनेशन इनकम मिलता है, लेकिन कितना कमाना है वो आपको तय करना है दोस्तों, हमारी मेहनत के ऊपर अपना वो डिपेंड है। सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब में क्रिएटिविटी नहीं होती, डेली वही रूटीन होता है, वही जॉब होता है, वही काम होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में हमें डेली अलग लोगों से मिलना है, अलग एरिया में जाना है, अलग तरीके से प्लानिंग करनी है, अलग तरीके से क्रिएटिविटी दिखानी है, नहीं यहाँ पे क्रिएटिविटी होती है दोस्तों, इसलिए हमें ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में फन, एंजॉयमेंट, ट्रैवलिंग, ये सब बातें हम कर सकते हैं पैसे कमाते हुए। अगर हम जॉब कर रहे हैं, हमें एंजॉयमेंट करना है, ट्रैवल करना है, तो पैसा खर्चा करना है। अभी मेरे ग्रुप के एक लीडर है वेस्ट बंगाल से, मिस्टर अमृत मंडल सर, कॉन्ग्रेचुलेशन अमृत जी। अभी उनका देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में ही रहते हैं, लेकिन परसों लगभग 8 दिन के लिए वो दार्जिलिंग चले गए थे। जी हाँ, दार्जिलिंग। अभी दार्जिलिंग यानी टूरिस्ट प्लेस हमें भी पता है, लेकिन अमृतसर टूरिस्ट प्लेस के ऊपर घूमने के लिए नहीं, वहाँ पे टीम बिल्डअप करने के लिए गए थे। वहाँ पे लगभग उन्होंने 100-200 लोगों की टीम ऑलरेडी अब रेडी करके आए हैं। आने वाले महीने 2 महीने में 500 लोगों का भी टीम वहाँ पे रेडी हो सकता है। तो अमृत मंडल सर का देखेंगे तो वहाँ पे पैसा भी आ रहा है, और कभी जाएंगे तो टूरिस्ट प्लेस के ऊपर घूमने का मज़ा भी आएगा। सेम यही हकीकत सब लोगों के साथ यहाँ पे होने वाली है दोस्तों। यानी ग्रीन जॉब में देखेंगे तो डेली रूटीन थोड़ा सा बोरिंग होता है, ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में बोर कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ आपका पैशन अगर क्लियर है, आपका विजन अगर क्लियर है, तो 100% आप इसमें से अच्छा इनकम भी ले सकते हैं और एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाइफ में एडजस्टमेंट कौन करता है सबसे ज्यादा, जॉब होल्डर। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर था पहले दोस्तों, मुझे पता है जॉब होल्डर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करता है। ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल में आप कुछ दिन अपने मन के खिलाफ
एडजस्टमेंट करके काम कीजिए। एडजस्टमेंट यानी क्या, आपको फैमिली को टाइम कम देना है, मेहनत ज़्यादा करनी है, जो भी आज आपको तकलीफ हो रही है दोस्तों काम करने में, वो सहन कीजिए कुछ दिन, लेकिन लाइफ टाइम आप अच्छी लाइफ विदाउट एडजस्टमेंट के जी सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है दोस्तों, यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, आप जैसी मर्जी चाहे वैसा काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन बॉस नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको काम ही नहीं करना है या फिर काम कम करना है, आप खुद खुद के बॉस है दोस्तों, आप खुद प्लानिंग कीजिए, खुद मेहनत कीजिए, 100% सक्सेस आपके कदमों में होगा। अब तीसरा पॉइंट मैं लेके आता हूँ दोस्तों कि जो नेटवर्कर्स है, अलग अलग MLM कंपनी में काम करने वाले नेटवर्कर्स या फिर अलग अलग MLM कंपनीज का प्लान और ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल का प्लान, इसमें डिफरेंस क्या है? अभी मैं तो किसी भी कंपनी को नाम रखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई कंपनी अच्छी होती है, हर किसी कंपनी का प्लान अच्छा ही होता है। जैसे मार्केट में बाइनरी है, हाइपर बाइनरी है, जनरेशन प्लान है, मैट्रिक्स प्लान है, बहुत सारे ढेर सारे प्लान है, लेकिन कंपनियों के प्लान, तो मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन डिफरेंस क्या, देखिए दोस्तों, बाइनरी प्लान में होता है जब क्या होता है, जब मैचिंग होता है तब पैसा आता है। जनरेशन प्लान में होता क्या है, जब आपका PV बढ़ता जाता है, गैप रहता है आपके डाउनलाइन के लेवल में आप में, तब जाकर आपको पैसा आता है, महीना महीना आपको रिपर्चेस भी करना होता है, बराबर कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जितना चाहे काम करो उतना पैसे कमाओ। अभी बाइनरी का बहुत सारे प्लान मैंने देखे थे कि 5,000 ज्वाइनिंग पैकेज, इधर एक लेफ्ट राइट मैच करेंगे तो आपको 500 रुपये आएगा, 10% बाइनरी राइट। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप 2,500 का एक भी ज्वाइनिंग ला रहे हो तो आपको डायरेक्ट 800 रुपये, कंपेरिजन कीजिए। आप 2,500 का मैजिक जोन में एक भी ज्वाइनिंग ला रहे हो तो डायरेक्ट 2,500 रुपये, 100% कंपेरिजन कीजिए। यानी यहाँ पे देखिए, मैचिंग का झंझट नहीं है, PV का झंझट नहीं है, रीपर्चेस का झंझट नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको ओनली 2,500 रुपीज़ देने हैं, बाद में एक रुपया भी देना नहीं है, तो इतना ज़बरदस्त सिस्टम है दोस्तों। और वैसे देखेंगे तो ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल आज तूफान, यानी तूफान मचा रहा है मार्केट में। इसका मतलब क्या है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनियां थे, बहुत सारे कंपनियों ने प्रोडक्ट बेचना छोड़ दिया, प्लान बेचना स्टार्ट किया। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में दो तरह की कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां हैं जो इथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट फोकस करते हैं, जैसे इंटरनेशनल अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन कुछ कंपनियों ने उनका डुप्लीकेशन किया, लेकिन उन्होंने प्लान के ऊपर फोकस किया, उन्होंने प्रोडक्ट को साइड में रखा, प्लान बेचना स्टार्ट किया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां आज भी हैं, लेकिन प्लान बेचने वाले बहुत सारी कंपनियां आज के डेट में बंद हो चुकी हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां आज भी है, लेकिन वहां पे एक्टिव इनकम, ज़्यादा इनकम, मैक्सिमम इनकम लेने वाले लीडर्स बहुत कम है, वहां पे ज़्यादा लोग सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन प्लान बेचने वाली कंपनियों में बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कंपनी टिकती नहीं है। जैसे आज के डेट में नेटवर्कर का हाल अगर देखेंगे तो नेटवर्कर का हाल क्या है दोस्तों, तो नेटवर्कर कहते हैं कि हम तो सेफ है, हम करियर लेने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी सेफ नहीं है, इसलिए हर रोज़ हमें कंपनियां बदलनी पड़ रही है। नेटवर्कर लोगों का यही हाल है दोस्तों। लेकिन यहां पे ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल ने एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया है जो आप जानते हैं दोस्तों, यहां पे हमें कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग लाइफ हम अच्छा इनकम ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनियों में बल्क इन्वेस्टमेंट का ऑफर होता है, जैसे कि GCM वगैरह वगैरह कुछ होता है, 2,00,000, 2,20,000 रुपये। अभी मुझे परसों आंध्रा में से एक लीडर का फ़ोन आया था कि उन्होंने लगभग 4,50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया XYZ कंपनी में, अब वहाँ से पैसे आना बंद हुआ, अब उस कंपनी ने प्लान किया। आमतौर पर होता क्या है दोस्तों, जब कंपनी स्टार्टिंग में ज़्यादा रिटर्न देने का अट्रैक्शन लगाती है, तब कुछ दिन देते हैं, लेकिन बाद में वो देना बंद करते हैं, एक तो कंपनी बंद हो जाती है, न तो कंपनी रही है, तो भी प्लान चेंज होता है, उस प्लान के अंदर आपको पैसा आता नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों। और एक बात देखेंगे, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, मान लीजिए वो हमसे 5,000 रुपये का ज्वाइनिंग पैकेज ले रहे हैं, उसमें से हमें कुछ प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक तो बात क्लियर है दोस्तों कि कोई भी कंपनी का ओनर अपने घर से तो पैसे देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बिजनेस खोला है, तो वो क्या करता है, हमसे ही 5,000 लेता है, उसमें जो हमें प्रोडक्ट देने वाला है, प्रोडक्शन का कॉस्ट निकलता है, एडमिन चार्ज या फिर सर्विस चार्ज निकलता है, उस प्रोडक्ट का GST निकलता है, टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला कमीशन निकलता है, ये सब बातें निकलता है उसी 5,000 में से, अपना प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यहाँ पे ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल क्या कर रहा है दोस्तों, 2,500 रुपये हमसे ले रहा है, हमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिस्टम को एक रुपया नहीं जा रहा, वही तो पॉइंट मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, इसलिए हमने ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल स्टार्ट किया है और ज़बरदस्त सिस्टम, ज़बरदस्त इनकम यहाँ से आ रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा, सिस्टम का प्लान और एक बार देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, आपको ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके वीडियो शेयर करने के वजह से किसी और की भी ज़िंदगी यहाँ पे संवर सकती है दोस्तों।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय ग्रीन ग्लोरी ग्लोबल, जय आर्थिक आज़ादी अभियान।